जिसके लिए खड्डा खोदता है वो उसी में गिर जाता है। ये लाइन दोस्तों मैंने बचपन में बहुत ज्यादा सुनी थी, लेकिन आज दोस्तों मैंने सच होते हुए देखी है। जहां दोस्तों AEW वाले सीएम पंक की वैल्यू गिराने के लिए उनकी तब की फुटेज डाले थे जब उनकी बैकस्टेज ब्रॉल हुई थी। सीएम पंक को अपनी ब्रॉल्स की वजह से AEW से निकाला गया था और से दोस्तों सीएम पंक कहीं ना कहीं AEW में रहना भी नहीं चाहते थे। लेकिन गाइस आपको बताना चाहूंगा, आज AEW वालों ने काफी घटिया हरकत की, जहां डायनामाइट में सीएम पंक की वाली फुटेज जहां जैक पेरी को मारे थे एयर कर दी गई। ये दोस्तों काफी कह सकते हैं अनप्रोफेशनल थिंग थी, लेकिन फुटेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये चीज देखने को मिल रही है कि सीएम पंक पहले तो जैक पेरी से बात करते हैं और उन्हें समझाते हुए नजर आते हैं। जैक पेरी कुछ लो बात करते हैं और उसके बाद दोस्तों लूज टॉक पर सुनने पर दोस्तों सीएम पंक उन्हें चोक में फंसा देते हैं और बीच में समुआ जो को बीच बचाव के लिए आना पड़ जाता है, वरना जैक पेरी को सीएम पंक ने बेहोश कर दिया था। और आपको बताना चाहूंगा, डायनामाइट में पंक ने ये चीज साफ स्पष्ट कही थी कि उन्होंने बैकस्टेज किसी महिला को गंदे तरीके से पीटा है, और यहाँ उन्होंने ये चीज़ साफ की थी कि उनकी इस पूरे इंसिडेंट में कोई भी गलती नहीं है। पहले जो गलत बात कर रहा था वो था जैक पेरी। तो यहाँ सीएम पंक जिन्हें 200 टोनी खान लायर बता रहे थे वो सही साबित हो गए। दूसरी बड़ी चीज़, यहाँ खुद के पैर पर AEW वालों ने कुल्हाड़ी मार दी क्योंकि डायनामाइट में चैन लग रही लगी सीएम पंक के नाम की। तो वो कहते हैं ना, जो जिसके लिए खड्डा खोदता है वो उसी में गिर जाता है। यहाँ दोस्तों बेली का भी रिएक्शन आ चुका है। बेली ने ये चीज लिखी है कि टनल में जो सबसे पहले बंदा मैच के बाद उन्हें मिलता है वह है सीएम पंक, यानी कि जैसे वो बैकस्टेज गोरिल्ला पोजीशन पर जाती है सीएम पंक उन्हें मिलने आ रखते हैं और काफी अच्छी फ्रेंडशिप उनकी है। हर कोई दोस्तों बेइज्जती कर रहा है AEW वालों की। AEW वालों को फोकस करना चाहिए अपने टिकट सेल्स पर, अपनी अटेंडेंस पे, इवन दोस्तों अपने शो की लाइट्स पर, लेकिन AEW वाले दोस्तों WWE के सुपरस्टार्स को नीचा दिखा रहे हैं। ये चीज बर्दाश्त से बाहर है। और यहाँ दोस्तों पंक का भी रिएक्शन आ चुका है। इस बीच दोस्तों पंक ने भी फोटो डाली है जॉर्ज बुश की, यानी कि कहीं ना कहीं वो टोनी खान को कंपेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडर से। तो ये जो राजनीति खेल रहे हैं टोनी काफी गलत है। बात करेंगे आज की अपनी सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट की जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े लेसनर से। तो काफी ह्यूज अपडेट निकल कर सामने आ रही है। अगर आप ब्रॉक लेसनर के बड़े वाले फैन है तो गाइस ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है आप लोगों के लिए। दरअसल दोस्तों हमने काफी टाइम से ब्रॉक लेसनर को नहीं देखा है कंपनी के अंदर, और गाइस इस बीते वीकेंड लेसनर को बहुत ज्यादा मेंशन किया गया। पॉल हेमन ने अपनी स्पीच में 3 बारी दोस्तों ब्रॉक लेसनर का नाम लिया, और साथ ही साथ दोस्तों ब्रॉक लेसनर पर ट्रिपल एच ने भी टिप्पणी की कॉन्फ्रेंस में। ये चीज कही कि लेसनर जो है कंपनी को छोड़कर नहीं गया है और लेसनर डूइंग थिंग्स व्हाट बीस्ट डज एवरी टाइम, यानी कि जो बीस्ट ब्रॉक लेसनर हमेशा करता है वही इस वक्त कर रहा है, यानी कि घर पर लेटा पड़ा और शिकार खेल रहा है। तो गाइस यहां लेसनर के ऊपर ये जो अपडेट है काफी ह्यूज है। दरअसल दोस्तों WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के पेज पर लेसनर को अपडेट कर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों कुछ समय के लिए वो गायब हुए थे, लेकिन अब यूनिवर्सल चैंपियनशिप की कवर पिक को अगर आप देखेंगे जहां दोस्तों पूरा टाइटल रेन आता है बैक स्टेज, या फिर कह लीजिए दोस्तों पीछे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। बैकग्राउंड में दोस्तों लेसनर दिखाई दे रहे हैं, जिसका पॉजिटिव साइन हम मान सकते हैं कि लेसनर जो है वो बैंड नहीं हुए कंपनी से, और जो ट्रिपल एच ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। तो लेसनर दोस्तों जल्द लौटेंगे, और लेसनर एंड रोमन रेंस का इंतजार बहुत ज्यादा है। जब भी आएंगे दोस्तों बहुत ज्यादा तबाही लाएंगे दोनों के दोनों। बात करेंगे दोस्तों एक अल्टीमेट स्ट्रीक की जो कि गाइस शुरू हो चुकी है। तो ये स्ट्रीक दोस्तों काफी टाइम से हमारी नजरों में नहीं आई थी, लेकिन आज आ गई है। आस्का ने 206 का रिकॉर्ड बना दिया है रेसलमेनिया के अंदर। तो गाइस इस साल लग रहा था कि शायद से आस्का जीत जाए, लेकिन जेड कारगिल ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। आपको दोस्तों याद दिलाना चाहूंगा, आस्का का जो शायद से पहला मैच था ना शार्लेट के खिलाफ था रेसलमेनिया में, जहां उनकी इंडिफिनिटी स्ट्रीक टूटी थी, और उसके बाद से दोस्तों आस्का ने एक नई स्ट्रीक बिल्ड कर दिया जो कि रेसलमेनिया में लूज करने की, जिसका नाम दोस्तों विनलेस कहा जा रहा है। तो आस्का ने भी दोस्तों एक स्ट्रीक शुरू कर दी अंडरटेकर की जीतने की थी, आस्का की हारने की है रेसलमेनिया में। होप आगे जाकर आस्का को बढ़िया पुश मिले। हम बात करेंगे इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों द गेम ट्रिपल एच के मेगा डिसीजन से। ट्रिपल एच दोस्तों हाल फिलहाल में काफी अलग अलग से डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे में कुछ डिसीजन उनके समझ भी नहीं आते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों डब्ल्यू वाले कभी तो बड़े बड़े स्टेज ला लेते हैं, कभी कभी छोटे छोटे स्टेज ले आते हैं, हाल फिलहाल में काफी ज्यादा हो रहा है। तो गाइस ट्रिपल एच ने इसके ऊपर टिप्पणी किया, आखिर वो छोटा स्टेज क्यों लाते हैं। ट्रिपल एच बोले हैं कि हम छोटा स्टेज इसलिए लाते हैं ताकि हम एक्स्ट्रा फैंस के लिए एक्स्ट्रा रूम क्रिएट कर सके। जब स्टेज दोस्तों निपटता है, जब छोटा हो जाता है, तो गाइज जो स्टेज के पीछे लोग बैठे होते हैं ना
वो भी देख सकते हैं। जब स्टेज बड़ा रहता है तो स्टेज के पीछे कोई नहीं बैठता ऑब्वियसली, तो इसलिए दोस्तों ट्रिपल एच जो है आजकल स्टेजेस को छोटा कर रहे हैं ताकि ज्यादा ज्यादा फैंस शो को देख सके। तो ट्रिपल एच सही कर रहे हैं गाइस, गलत नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारे जुड़ी है वो जुड़ी एक बड़े खुलासे से जो कि जुड़ा हुआ है जे उसो से। तो जे उसो दोस्तों इस वक्त अपने एक डायलॉग की वजह से, सिर्फ एक शब्द की वजह से काफी मशहूर हो रहे हैं जो कि है यीट। और यीट का मतलब बेसिकली यस ही होता है, यीट का और कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो वर्ड है ना इसके ऊपर खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है दोस्तों यीट वर्ड जो सबसे पहले लेकर आए थे कंपनी में वो थे जिमी उसो, जो कि थंडरडोम एरा के दौरान लाए थे और उनकी तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो अगर जिमी उसो कहीं ना कहीं नो यीट कहते हैं तो वो सही ही कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ही पहले व्यक्ति थे जो कि यीट यीट यस यस चिल्ला रहे थे। अब वही दूसरे व्यक्ति है जो कि नो यीट कह रहे हैं। जे उसो दोस्तों बस पॉपुलर किए वर्ड को, तो जिमी का गुस्सा होना स्वाभाविक है। हम बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की मेरी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों डब्ल्यू स्पीड से। तो टूर्नामेंट भी दोस्तों कंटिन्यू है और इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इस बुधवार यानी कि कल फिर से हमें टूर्नामेंट का मैच देखने को मिला। इस बार एक्सियम ने फेस किया जेडी मैकडोना को। मैच के अंदर दोस्तों 38 सेकंड रहते हुए उन्होंने पिनफॉल ले लिया हेडबट के द्वारा एक्सियम का, और जेडी दोस्तों आगे क्वालिफाई करके। टूर्नामेंट का दोस्तों आप पूरा सार यहाँ फोटो में देख सकते हैं। रिकोशे के खिलाफ उनका नेक्स्ट मैच है और जो उसमें जीतेगा वो फिनाले में जाएगा। तो गाइज ये जो चैंपियनशिप है ना ये किसे मिलेगी ये तो ट्विटर के ऊपर ही पता चल पाएगा, क्योंकि 3 मिनट के मैच ट्विटर पर ही आते हैं। तो डू फॉलो मी ऑन ट्विटर। बात करेंगे दोस्तों इससे अगली न्यूज को। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ब्रामा बुल द रॉक से। द रॉक दोस्तों इस वक्त कंपनी के अंदर नहीं है, वो भी छुट्टी पर जा चुके हैं ट्राइबल चीफ सेथ के जैसे। तो यहाँ दोस्तों ड्वेन जॉनसन ने आज जाने से पहले एक ट्वीट किया है, वही चीज़ लिखे है कि हमने WWE को एंटरटेनमेंट का साधन बनाया। और यहाँ वो लिख रहे हैं 140,000 से ज़्यादा लोग फिलाडेल्फिया में थे, साथ साथ 200 लिखते हैं हाईएस्ट ग्रोसिंग इवेंट था, हाईएस्ट सेलिंग रेसलमेनिया थी, इवन हर चीज़ में हम हाईएस्ट रहे हैं। टेलीविजन पर सबसे ज़्यादा बार देखा गया और सोशल मीडिया पर 700 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आए 48 घंटे के अंदर। तो द रॉक ने दोस्तों कहीं ना कहीं खुद को रीज़न बताया और साथ ही साथ ब्लडलाइन को रीज़न बताया है। यहाँ दोस्तों जब वो लिख रहे हैं वी मेड WWE एंड एंटरटेनमेंट हिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो सभी की बात कर रहे हैं, द ब्लड लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ दोस्तों द रॉक जो है कहीं ना कहीं दोस्तों जल्द लौटेंगे, और ऐसा नहीं है कि वो ब्लड लाइन से बाहर हुए हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों जब भी लौटेंगे तूफान लेकर आएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है दो डिफरेंट अपडेट से। सबसे पहले अपडेट तो गाइस इस चीज से जुड़ी हुई है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों अपडेट ये थी कि इनकी स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई है, और गाइस कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से सेथ रॉलिंस ने ट्राइबल चीफ के मैच में गंद डाला ना, जिस तरीके से एंड में वो आते हैं और चेयर शॉट खाते हैं, शील्ड के नाम पर इमोशनल करते हैं ट्राइबल चीफ को, तो मेरे हिसाब से ट्राइबल चीफ इस चीज़ का बदला जरूर लेंगे। अब उनके पुराने सारे जितने भी गम थे रॉलिंस के साथ जो जुड़े हुए थे, वो जो घाव था वो भर चुका है, क्योंकि उन्होंने चेयर शॉट मारकर पूरा बदला ले लिया है। तो अगले मैच होता है तो 100% इसमें ट्राइबल चीफ ही जीतेंगे, और बताया जा रहा है दोस्तों इनकी स्टोरी आगे कंटिन्यू रहेगी। लेकिन गाइज यहाँ एक र्यूमर, एक फेक न्यूज दोस्तों काफी तेजी से फैल रही है जो कि जुड़ी है कि ट्राइबल चीफ अभी भी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। यहाँ दोस्तों इस न्यूज के फैलने का रीजन दोस्तों सबसे पहला तो यही है कि गाइज यहाँ एक व्यक्ति है, उसने दोस्तों स्पेकुलेशन की और उसका नाम दोस्तों करके बता रहे जेसन सेंसेशन। थोड़ा सा मैंने पता किया इस बंदे के बारे में, तो बताना चाहूँगा दोस्तों ये जो बंदा है ये एटीट्यूड एरा के दौरान कमेंट्री टेबल पर आया था, और गाइज कुछ एक रॉ का पार्ट था बेसिकली दोस्तों, ये मिमिक्री करता है। और दोस्तों इसे वेटरन करके बताया जा रहा है जो कि काफ़ी गलत है, वेटरन रहता है लेजेंड। तो गाइज ये जो बंदा है इसे रेसलिंग का थोड़ा बहुत ज्ञान है, और इसने अपने से स्पेकुलेशन लगाई है कि उन्हें लगता है कि रोमन रेंस अपना यूनिवर्सल चैंपियनशिप दांव पर नहीं डाले हैं, और जो वो लूज़ किया है वह है WWE टाइटल। आपको पता होगा दोनों ही टाइटल मर्ज कर दिए गए थे, और ऐसे में दोस्तों ट्राइबल चीफ काफ़ी टाइम तक दो टाइटल लेकर घूमे भी। तो ब्लू वाली टाइटल उन्होंने दांव पर नहीं रखी है, ब्लैक वाली रखी है यानी गोल्डन चैंपियनशिप, और उसे वो लूज़ किया है। तर्क बस यही है कि अब ट्रिपल एच WWE चैंपियनशिप कह रहे हैं इस चैंपियनशिप को, तो रोमन रेंस आकर क्लेम करेंगे, ये चीज़ कहेंगे कि उन्होंने ब्लू वाली चैंपियनशिप तो दांव पर रखी नहीं थी, और उसके बाद इनका मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो गाइस आपको बताना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों ट्राइबल चीफ की दोनों चैंपियनशिप एक हो गई थी, इसलिए दोस्तों स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग रही।
इवन दोस्तों जो डब्ल्यूडब्ल्यू का पेज है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वाला, वहाँ भी कोडी रोड्स को चैंपियन करके दिखाया जा रहा है अभी, और कोडी रोड्स को दोस्तों यूनिवर्सल चैंपियन और डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन की संज्ञा दी गई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसे रूमर्स पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ट्राइबल चीफ जब भी लौटेंगे दोस्तों, डेफिनेटली उनका रोड टू रेसलमेनिया दोस्तों कोडी रोड्स के लिए ही रहेगा, लेकिन अभी दोस्तों उनके पास कोई भी चैंपियनशिप नहीं है, लेकिन सून होगी मुझे ऐसा लगता है। और दोस्तों अभी वो चैंपियन हो ना हो, लेकिन लोगों के दिलों के चैंपियन है डेफिनेटली। अगर है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों रोमन रेंस टाइप जरूर कीजिएगा। वीडियो आज की इतनी थी, बल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बक है।